जाएंगे तब जाना आएगा, इसलिए पहले बताया जो आपको ये वाली सिखाई गई है ना, ये वाली कोई भी टेक्निक जो ऐसे झटके देने वाली यूं करने वाली वर्टिंग नहीं होती है, पीछे जुटाना भारी होता है। वर्टिकों में ये वर्टिकों में सरदर वाली कोई भी नाम दे तो अच्छा नहीं है। हाँ जी, अगर वर्टिको ठीक होने दो तब जाके देना है, मालिश मसाज करके होगी कुछ करो, फ्रेस्ट नहीं दोगे स्ट्रेच ना करोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब वो अंदर क्या डिजनरेशन होना है कोई पता नहीं है, आपकी उससे मान लो पेन पेन या चक्कर बढ़ गई वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, पेशेंट कहेगा मेरे को थोड़ा सा था इन्होंने बढ़ा दिया इतना, तो कोई फायदा नहीं उससे है ना। अगर गर्दन में दर्द दर्द तो कर सकते हैं, चक्कर आ रहे हैं किसी को, चक्कर में नहीं करना। अब इसमें ध्यान रखना है, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुने, ये जो ऑक्सीपिटल एरिया है वहां पे हमें ये अपना हाथ रखना है ऑक्सीपिटल रीजन पे, ये ऑक्सीपिटल रीजन है, ये हड्डी वाला जो एरिया है अपने पड़ोसी के हाथ लगा सकते हो, जो हड्डी वाला जो एरिया बोन वाला यहाँ बिल्कुल इस तरह से, ये सॉफ्ट एरिया है जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीपिटल का एरिया बिल्कुल दिखेगा ऐसे हड्डी वाला, देखो लगा के तो उसको ऑक्सीपिटल पे हाथ रखना है, गर्दन पे सॉफ्ट एरिया पे नहीं रखना, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीपिटल रीजन पे हाथ रखना है और इस तरह से ही मैंडिबल पे रखना है, कई लोग इसको कपड़े से करते हैं कपड़ा वाला वाइस ग्राफ तो वो उससे नहीं करना आपको, क्योंकि उसमें क्या है वो कब फिसल जाए कब टाइट वाला लग जाए पता नहीं, हाथ रहेगा तो हमें पता रहेगा, सही कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली बात है। यहाँ तो तस्वीर तो लगेंगे कुछ, तो लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए लाइसेंस तो होता ही नहीं इसका, रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं कहीं से किसी ने भी ले रखा है कहीं देगा लाइसेंस, अभी तो है नहीं फिलहाल। तो इस तरह से क्या करना है, पहले मोबाइल करना है, उससे आपको ही पता लगेगा गर्दन में कितनी मूवमेंट है, उसी के हिसाब से फिर थोड़ा सा हल्का सा स्पीड को बढ़ाओगे और उनकी बॉडी को पता ना चले कि हमें कब थ्रस्ट देना है, इस हिसाब से चलना है, जरूरी नहीं तीन से या पांच से आठ के सात भी दे सकते हो कितना, तो इसको करते हुए ध्यान रखना है पेशेंट को बोलेना, पेशेंट की जीभ अंदर रहे दांतों के बीच में ना आए, उसको ये स्किप बोलना है वरना कट जाएगी तुरंत, क्योंकि इसमें मैंडिबल प्रेशर आएगा तुरंत वो कट जाएगी, है ना। अब ये जो है ये तो हमारे की थी सर्वाइकल और कुछ स्टोरेज, अगर आप चाहते हो कि लंबर सैक्रम तक इफेक्ट जाए तो हल्का सा गर्दन को उठाना है इस तरह से, इस तरह से और खुद भी खड़े हो जाना है, बिल्कुल नॉर्मल लगो बॉडी को टाइट मत करो, अगर डर लगे तो दूसरे को लुटा ले इस तरह से, अभी पूरा सैक्रम तक इसका इफेक्ट जाएगा, सर्वाइकल से सैक्रम पूरा हो पूरा हो गया, सर्वाइकल और या थोरेसिक का भी कुछ बात अगर वर्टिगो में नहीं करना, जैसे पेशेंट है जो सर्वाइकल है ठीक है उसको चक्कर आ रहे हैं उसको मतलब शोल्डर में रहता है तो उसके अंदर हम ये वाले जिसमें करते हैं लेफ्ट साइड की, देखो वो आपका रिस्क है मैं नहीं कहूंगा, आप वर्टिगो में तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, अगर सर्वाइकल रीजन का कोई भी थ्रस्ट वगैरह दो मोबिलाइजेशन करो कोई दिक्कत नहीं है, थ्रस्ट नहीं देना उस कंडीशन में, आपको पता नहीं है क्या डिजनरेशन हो रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा मतलब बट अगर कोई चक्कर आ रहे हैं तो फिर बिल्कुल नहीं लेना, चक्कर आए तो फर्स्ट बिल्कुल मोबाइल करो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर में तो कर सकते हो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि चक्कर एक ऐसी कंडीशन है उसमें वॉमिटिंग नोसिया भूख ना लगना ये सब चीजें कॉमन रहती है, तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है और आपके पास तो ठीक होना चाहिए, अगर आपने प्रॉब्लम बढ़ा दी तो वो आप तो उसके दुश्मन होंगे, पास भी पहले से परेशान पास करना भी ब्लेम उसके ऊपर हाँ बिल्कुल आएगा, तो मैं पहले उसको अब गर्दन की मैं एक बार बता देता हूँ शायद आपको बता दी हो, ये तो लिटा के बता दी, अब ये वाली जो मैं बता रहा हूँ ये सिंपल वे में है बिल्कुल, अगर सीख लियो तो अच्छा है, नहीं तो फिर बता देता हूँ, इस तरह से टेम्पोरल पे हाथ रखना है और एक मैं लेवल पे लाना है, अब बैठ जाओ चेंज कर लो और कौन सी बॉडी में डाल दी इसी तरह होगा, वैसे अब आपकी ये वाली बोली गई है ना, ये वाली दो ही उसका नेक्स्ट बताते हैं, इस तरह से हाथ रखना है, अभी हमने पूरी नेक को और कैरेटिड आर्टरी को सपोर्ट दे दिया है, अब टेम्पोरल को इस तरह से सपोर्ट देना है और कैरेटिड आर्टरी को
हल्का 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 तो मोबाइल करना है, टाइट मत करो और बहुत हल्का सा बस। अब आज भी ध्यान नहीं देना है और उनको बिल्कुल शोल्डर से नहीं लगाना है गर्दन को, वो काम करोगे ना तो कैरेटेड आर्टरी थोड़ा रिस्की है बाकी को लेना। हाँ अच्छे तो जितना जरूरत है ना हम उतना हम ये कर रहे हैं, उतना ही जरूरत है बॉडी को, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है कि बिल्कुल बाहर नहीं करना है। इस तरह से ना इससे हाँ सपोर्ट देंगे, ईयर के पीछे आ जाएगा, एक तरह से थंब ईयर के पीछे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रिपिंग ग्रिपिंग कैसे लगेगी? हाँ देखना भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहले साइड में लेके आना है लेटरल, उसके बाद में ये होगी आपकी होगी साइड में पूरा लेटर लेके आना है, फिर ऊपर को उठाना है और उसके बाद फिर थ्रस्ट देना। सर जो आपको बेस्ट लगा सबसे अच्छा है पहले।